टॉप 8 हाईएस्ट अर्निंग टिकटॉकर्स इन 2023। 2023 में दुनिया के 8 सबसे ज्यादा अमीर टिकटॉकर्स। नंबर 8, निशा गुरगेन, एस्टिमेटेड अर्निंग्स पर पोस्ट $25,000। नंबर ऑफ फॉलोअर्स 30 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ फॉलोअर्स। दोस्तों, निशा गुरगेन का ताल्लुक नेपाल से है और वो एक खूबरू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सिंगर हैं जिनकी टिकटॉक वीडियोस में ज्यादातर लिप साइनस और फैशन दिखाया जाता है। उन्होंने अपना कैरियर ऐप म्यूजिकली से शुरू किया था और आज वो दुनिया के सबसे मशहूर नौजवान टिकटॉकर्स में से एक हैं। अब तक वो बहुत सी म्यूजिक वीडियोस में भी मॉडलिंग कर चुकी हैं। निशा नेपाल के शहर काठमांडू में पैदा हुई और इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भारत के शहर मुंबई में गुजारा है। इनका फ्रेंड रमजान कोते है और इनको दुनिया में इस वक्त शोहरत मिली थी जब इन्होंने मशहूर गाने मुझे याद है आता तेरा वो नजरें मिलाना पर टिकटॉक बनाकर डाली थी और इनको एक ही दिन में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लाइक्स मिले थे, जिसके बाद वो रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गई। और अब वो ना लड़िया कर, जट्टा वे जट्टा, रंग लगाया तूने और रोमांस करूं के साथ दूसरे बहुत से गानों की ऑफिशियल म्यूजिक वीडियोस में भी काम कर चुकी हैं। नंबर 7, अरिशवा खान, एस्टिमेटेड अर्निंग पर पोस्ट $24,000। नंबर ऑफ फॉलोअर्स 30 मिलियन, यानी कि 3 करोड़। दोस्तों, अरिशवा खान एक नौजवान भारतीय मॉडल, अदाकारा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि खास तौर पर अपनी टिकटॉक के डांस वीडियोस की वजह से सोशल मीडिया पर जानी जाती हैं। इसके साथ वो बहुत सी फैशन मॉडलिंग कैंपेन्स का भी हिस्सा रह चुकी हैं और बहुत से गानों की वीडियोस पर लिप साइनस वीडियोस भी बना चुकी हैं, यानी कि वो वीडियोस जिनमें सिर्फ होंठ हिलाए जाते हैं और पीछे असल गाना चल रहा होता है। वो एशिया के सबसे मशहूर टिकटॉकर्स में से एक है और खास तौर पर वो भारत में बहुत ज्यादा मकबूलियत रखती हैं। वो एक फैशन व्लॉगर भी हैं जो कि जदीद मलबूसात की नुमाइश भी करती रहती हैं। 20 साल अरशिफा खान का ताल्लुक भारत के जिला उत्तर प्रदेश के शहर शाहजहांपुर से है। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही काफी शोहरत और पैसा जमा करना शुरू कर दिया है। इन्होंने अपनी तालीम दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल से हासिल की और इनका ताल्लुक एक मुसलमान खानदान से है। इसके अलावा इनकी छोटी बहन अर्शिया खान भी टॉकर हैं। अरशिफा खान ने अपना कैरियर एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर 2010 में शुरू किया। वो बहुत से टीवी ड्रामों में भी बच्चों का रोल अदा कर चुकी हैं, जिनमें चाल, शाह और मात, एक वीर की अरदास वीरा, जेनी और जीजू, उतारन, मेरी दुर्गा, क्राइम पेट्रोल, गुंजन और दूसरे बहुत से ड्रामे शामिल हैं। इसके साथ इन्होंने बहुत सी फिल्मों में भी काम किया है और इश्तहारात में मॉडलिंग भी की है। ड्रामा सीरियल पापा बाई चांस की शूटिंग के दौरान इन्होंने 2018 में इंस्टाग्राम का इस्तेमाल शुरू किया और 2020 में इनको एक यूट्यूब का प्ले बटन भी मिल चुका है। नंबर 6, रियाज अली, एनुअल एस्टिमेटेड अर्निंग $4.75 मिलियन। नंबर ऑफ फॉलोअर्स 45.4 मिलियन। तो रियाज अली एक भारतीय टिकटॉकर है जो की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फैशन ब्लॉगर भी हैं। रियाज की उम्र सिर्फ 19 साल है और इन्होंने सबसे पहले इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी वीडियोस पोस्ट करना शुरू की थी और एक कम उम्र में ही इनको काफी शोहरत मिल गई। इस लड़के ने बड़ी कामयाबी से अपनी शोहरत को डॉलरों में बदलना शुरू किया और आज वो खास तौर पर टिकटॉक पर अपनी डुएट वीडियोस की वजह से खासे मकबूल हैं, जिनमें वो लड़कियों के साथ गाने गाते और डांस भी करते हैं। इसके साथ साथ वो मजाहिया वीडियोस भी बनाते हैं। इनकी शोहरत का तो ये हाल है कि आज वो एक वीडियो में आपके साथ काम करने का 30 से 50 हजार अमेरिकी डॉलर तक चार्ज कर लेते हैं। रियाज अली आज भारत के सबसे अमीर टिकटॉकर के तौर पर भी जाने जाते हैं। रियाज अली भूटान के शहर जायगोन में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक मुसलमान खानदान से है और इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुंबई में गुजारा है। इनकी बड़ी बहन रीजा आफरीन भी इनकी तरह ही टिकटॉकर हैं। रियाज अली खास तौर पर अपनी लिप साइनस वीडियोस की वजह से नौजवानों में काफी मकबूल हैं। वो जन्नत जुबैर, अवनीत कौर और फैसल खान के साथ अक्सर टिकटॉक्स बनाते नजर आते हैं। वो बचपन में काफी मोटा हुआ करते थे और इन्होंने काफी ज्यादा जिम करके अपना वजन कम किया है। रियाज अली आज अपने ट्रेडमार्क हेयर स्टाइल की वजह से भी नौजवानों में काफी मकबूल हैं और भारत में एक फैशन आइकॉन भी समझे जाते हैं। नंबर 5, इवानी ग्रेग, एनुअल एस्टिमेटेड अर्निंग्स यानी कि सालाना अर्निंग $5.5 मिलियन। नंबर ऑफ फॉलोअर्स 42.7 मिलियन फॉलोअर्स। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर इवानी ग्रेग एक नौजवान टिकटॉकर आती है जिनका ताल्लुक भारत और अमरीका दोनों से है। वो इस वक्त दुनिया की नजरों में आई जब इन्होंने सुपर हीरोइन हार्ले क्विन का रूप धार कर अपने प्रस्तारों को दिखाया, जिसकी वजह से इनकी वीडियो काफी वायरल हुई। इस वीडियो की वजह से इनको जोकर गर्ल और क्लाउन गर्ल का लकब भी दिया गया और आज भी दुनिया इनको फॉलो कर रही है। वो खास तौर पर दुनिया भर में अपनी मेकअप वीडियोस की वजह से जानी जाती हैं। इन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर टिकटॉकर चार्ली डी एमेलियो के साथ हाइप हाउस में भी काम किया है और दोस्तों, ये नौजवान टिकटॉक स्टार्स का एक ग्रुप था जो कि मिलकर अपना कॉन्टेंट बनाया करते थे। ये लड़की आज फेसबुक पर अपना टॉक शो भी चला रही है। इसके अलावा ये निक्स कॉस्मेटिक्स के नाम के एक बिजनेस की मालिक भी है। इवानी की उम्र अभी सिर्फ 20 साल है और वो चिकन गर्ल्स में जैमा का किरदार भी अदा कर चुकी है। 2019 में इन्हें शॉर्टी अवार्ड फॉर टिकटॉकर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा टिकटॉक का अवार्ड भी है। वो अमेरिकी रियासत इंडियाना के शहर ब्राउन्सबर्ग में पैदा हुई और बचपन में वो एक जिमनास्ट भी रह चुकी हैं।
नंबर 4 क्रिस कॉलिंस, सालाना एस्टिमेटेड अर्निंग 5.75 मिलियन डॉलर्स। नंबर 4 फॉलोअर्स 47.4 मिलियन फॉलोअर्स। दोस्तों क्रिस कॉलिंस को आज दुनिया का सबसे खूबसूरत टिकटॉक आर्टिस्ट भी कहा जाता है और वो टिकटॉक और यूट्यूब दोनों पर ही बहुत कामयाब हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। मशहूर होने से पहले वो कैनेडा के शहर वैनक्यूवर में एक हेयर ड्रेसर यानी कि नाई का काम किया करती, मगर ऐसे 2 साल पहले फैलने वाली वबा की वजह से इनका काम बंद हो गया। इन्होंने पैसे कमाने के लिए टिकटॉक का सहारा लिया, जहाँ इन्होंने कॉमेडी स्केचेस बनाकर दुनिया को खूब हंसाया। इनकी मजाया वीडियोस में अक्सर वो अपने खानदान के अफराद के साथ दुनिया पर प्रैंक करती नजर आती हैं। टिकटॉक की वजह से वो रातों रात मशहूर होंगी और आज अमेरिका के बेहतरीन इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं। आज इनकी कामयाबी का ये आलम है कि इनको अमेज़न, हर्शी, पेंटीन और लॉयंस गेट जैसी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं। क्रिस अपनी वीडियोस में अक्सर लिप साइनस यानी के ऑडियोस पर अपने होंठ हिलाकर परफॉर्म करती नजर आती हैं और इसके साथ साथ वो अपनी वीडियोस में वैम्पायर और वेयरवुल्फ्स यानी के भेड़िया बनकर भी लोगों को खूब महसूस करती हैं। वो रीले, जेनेट, कैटरीना, नोना, चैड, बैक्स और अमंडा के किरदारों की वजह से भी दुनिया भर में मकबूल हैं और ये तमाम फर्जी किरदार हैं जो कि इन्होंने अपनी कहानियों में खुद ही तख्लीक किए हैं। नंबर 3 जॉश रिचर्ड्स, एनुअल एस्टिमेटेड अर्निंग्स 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। नंबर ऑफ फॉलोअर्स 26 मिलियन। दोस्तों जॉश रिचर्ड्स दुनिया के सबसे अमीर तरीन टिकटॉक स्टार्स में हमारे पास तीसरे नंबर पर आते हैं। वो अपनी वीडियोज में गाने गाकर इन पर डांस करते हैं और लिप साइनसिंग भी करते हैं। वो टिकटॉक की दुनिया के सबसे बड़े बैड बॉय समझे जाते हैं और नौजवान लड़कियां इनको अपने ख्वाबों का शहजादा समझती हैं। इनको स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों में हाउस पार्टी और रीबॉक जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं और इनकी अपनी एक इन्फ्लुएंसर मर्चेंडाइज लाइन यानी कि कपड़ों का अपना खुद का बुटीक भी है। वो वार्नर रिकॉर्ड्स के लिए गाने भी गाते हैं। इन्होंने एनी एनर्जी के नाम की अपनी एक एनर्जी ड्रिंक भी बना रखी है और अपनी ही एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी टैलेंट एक्स के मालिक भी हैं। वो थ्रिलर ऐप के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर भी हैं, जो कि टिकटॉक की जैसी एक और ऐप भी है। आज वो शॉर्ट वीडियोस इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम भी हैं। जॉश ने ये सभी सिर्फ 21 साल की उम्र से पहले हासिल किया है और आज वो कनाडा के शहर टोरंटो में रहते हैं। इनकी ज्यादातर वीडियोस स्पोर्ट्स का कंटेंट होता है या फिर डांसिंग, लिप साइनसिंग या फिर कॉमेडी के बारे में होती हैं। नंबर 2 डिक्सी डी अमेलियो, एनुअल एस्टिमेटेड अर्निंग्स 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। नंबर ऑफ फॉलोअर्स 57.5 मिलियन फॉलोअर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर डिक्सी डी अमेलियो आती है, जो कि चार्ली डी अमेलियो की बड़ी बहन है। ये दोनों बहनें ही टिकटॉकर हैं, मगर पैसा कमाने में ये छोटी बहन बड़ी वाली से आगे है। दोनों अक्सर इकट्ठा ही कॉन्टेंट बनाकर एक दूसरे के अकाउंट पे पोस्ट भी करती हैं, जिससे दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ताहम डिक्सी अपनी बहन के मुकाबले में एक सिंगर भी हैं। 2020 में इन्होंने अपना पहला गाना बी हैप्पी रिलीज किया। ये गाना एक हफ्ते तक यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे रहा। इनके दूसरे गानों में साइको और एफ बॉय पूरी दुनिया में काफी पजीराई हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा इनके बाकी के गानों में अ लेटर टू मी, वाइल्ड, द रियल थिंग, रूम मेट्स, वन होल डे और नॉटी लिस्ट शामिल हैं। ये दोनों बहनें हुलू रियलिटी टीवी सीरीज पर द डी एमएलयू शो के नाम का एक शो भी करती हैं, जिसमें खुद ही अदाकारी करती हैं। वो माजी में सोशल मीडिया पर्सनैलिटी नोहा बेक की मंगेतर भी रह चुकी हैं और आज सालाना 10 मिलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 3 अरब रुपया सालाना कमा रही हैं। नंबर 1 चार्ली डी एमएलयू, एनुअल एस्टिमेटेड अर्निंग 17.5 मिलियन डॉलर्स, 148.7 मिलियन फॉलोअर्स। दोस्तों चार्ली डी एमेलियो टिकटॉक की दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर शहजादी हैं, जिनकी उम्र आज सिर्फ 19 साल है और इनकी नेटवर्थ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बराबर है। फोर्ब्स लिस्ट ऑफ टॉप 10 हाईएस्ट पेड टिकटॉक स्टार्स में वो पिछले 3 सालों से सबसे आगे हैं। 2019 में इन्होंने अपनी डांस वीडियोस बनाना शुरू की, जिनके वायरल होने की जैसे ये रातों रात एक इंस्टेंट सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। इसके बाद इन्होंने जोनास ब्रदर्स के साथ भी डांस करना शुरू किया और आज इनकी कामयाबी का ये हाल है कि अमेरिका के सबसे बड़े टीवी शो जिमी फैलन द टुनाइट शो में वो एक मेहमान के तौर पे भी आ चुकी हैं। वो पेरिस फैशन वीक में मशहूर कंपनी प्राडा की तरफ से मॉडलिंग भी कर चुकी हैं और वो एक सुपर बॉल के कमर्शियल में भी आ चुकी हैं। सुपर बॉल आप यही समझ लें कि अमेरिका में होने वाला वर्ल्ड कप। अपनी बहन डिक्सी के साथ इन्होंने हाइप हाउस में भी काम किया है और हॉलिस्टर के नाम की कंपनी के लिए औरतों के कपड़ों के लिए मॉडलिंग भी करती हैं। दोनों बहनों ने एक कंपनी सोशल टूरिस्ट भी बना रखी है, जिसके जरिए ये अपना क्लोथिंग ब्रांड यानी कि अपने कपड़े भी बेचती हैं। चार्ली ने आज हुलू चैनल पर एक रियलिटी टीवी सीरीज द डी एमिलियो शो भी
भी बना डाली है जिसमें ये दोनों बहनें खुद काम करती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक चार्ली डी एमिलियो की सालाना इनकम किसी भी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ की तनख्वाह के बराबर या उससे ज्यादा है और इनके मशहूर स्पॉन्सर्स में स्टारबक्स, मैकडोनल्ड और डंकन एंड डोनट्स भी शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो कि इस लिस्ट पर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।